टेक्नोलॉजी के इस दौर में जरा सी चूक से आपकी मेहनत की कमाई चंद सेकंड में गायब हो सकती है। अक्सर आपने सुना होगा कि साइबर अपराधी किसी को अपने झांसे में लेकर ओटीपी भेजकर बैंक अकाउंट से रुपए निकाल लेते हैं, लेकिन बदलते दौर के साथ साइबर अपराधी भी नई नई तरकीब अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाकर रुपयों की ठगी करने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सुमेरपुर से सामने आया, जहां पलासिया निवासी एक व्यक्ति के खाते से अज्ञात ठग ने बिना ओटीपी 24,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित मनोहर सिंह ने बताया कि उसका राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में खाता है। ठग ने बिना ओटीपी के 24,000 रुपए अकाउंट से निकाल लिए और बाद में जब मैसेज आया तब इस ठगी का पता चला। जब इस मामले में बैंक पर पता किया तो पता चला कि अज्ञात व्यक्ति ने अकाउंट हैक कर बिना ओटीपी के पैसे निकाल लिए। सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। जा तो सो ही रहे हैं, 5 लाख रुपए आ रहे हैं, हो सकता है करोड़ की भी बात हो रही हो। तो वो जो है, जैसे ही आपने ट्रांसफर किया, आपका खाता हैक करके आपके खाते में से पूरे पैसे वो खींच लेंगे। वो 100 नहीं, पहले 100 जाएंगे, उसके बाद में पूरा खाता साफ। बड़े बड़े लोगों को फोन आ जाते हैं, आपका बेटा जो है फलाना केस में फंस गया, हम क्राइम ब्रांच दिल्ली से बोल रहे हैं और अगर उसको बचाना है तो ये वो, आप हमारा फोन काटना मत। इस तरह से अगले को हिप्नोटाइज करते हैं कि सामने बैठने वाले पुलिस वालों की बात पे लोगों को यकीन नहीं होता है। और एक फोन पे फर्जी पुलिस वालों से लोग डर के मारे ये करो वो करो वो करो, और बिल्कुल तोते की तरह उनको सब काम करा के, और जब खाता खाली हो जाता है तब मालूम पड़ता है। फिर खानदार साहब बाद में याद आते हैं, 3 घंटे तक तो उन्होंने नकली पुलिस से पूरी करा के, फिर असली पुलिस याद आते, अरे साहब क्या करो।